सक्सेस कब आती है हमारे पास में, कोई बता सकता है? हार्डवर्क करने से। केवल हार्डवर्क करने से आएगी, क्योंकि हार्डवर्क तो एक रिक्शे वाला सबसे ज्यादा करता होगा, सिस्टम के साथ, जिम्मेदारी लेने से। वेरी गुड। सक्सेस कब आएगी? गोल सेट करना। अलग अलग चीजें बता रहे हैं ना आप लोग। सक्सेस की शुरुआत कहां से होती है, कब आना स्टार्ट होती है? देखो, मेहनत मार्केट में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे बताओ। यस और नो? हाँ या ना बोलो। सुनता कम हूं, हाँ या ना? कर रहे हैं ना मेहनत? अच्छा, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं लोग? अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनके लिए रोज सुबह टिफिन उठा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? शाम को आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अच्छा, सीखते हैं कि नहीं लोग मार्केट में भी? हर बार कुछ नया सीख रहे हैं। मतलब जो जिस व्यक्ति को कुछ आता नहीं था, वो आज ईमेल सीख गया। मार्केट में भी लोग सीखते हैं, टैक्सेस सीख गया, जीएसटी सीख गया, कई चीजें सीखता है, व्हाट्सएप सीख गया। ये सीखते तो है ही ना मार्केट में भी लोग, फिर भी सक्सेस है क्या? नहीं। सपने भी हैं, ये बात, ये अच्छी बात, अच्छी बात। मेरे को जो लगता है ना, वो क्या लगता है कि सक्सेस कब आती है? सक्सेस ऑलवेज कम्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। समझ में आया आपको? इसका अर्थ क्या हुआ? सफलता हर बार तब आएगी जब चुनाव, जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई, अवसर आया, और आप उस अवसर पे काम करने के लिए तैयार हैं, उस अवसर पे अपने आप को भुनाने के लिए तैयार हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि समय समय पे अवसर आते गए हैं इस देश में, इस दुनिया में, लोगों के पास में? आए कि नहीं आए मुझे बताओ। जिन लोगों ने कहा कि नोटबंदी हो गई, अब तो रियल एस्टेट का मार्केट खत्म है, उनके लिए खत्म है कि नहीं है? लेकिन जिन लोगों को लगा अपॉर्चुनिटी है वे माल बेचने की, क्योंकि मार्केट डाउन जाएगा, असली जो व्यक्ति खरीदार है वो अब मिलेगा, अब लोगों को समझाना है यही वक्त है, यही वक्त पे मैं काम करूंगा तो मैं ज्यादा पैसा बना जाऊंगा। यस और नो? यही तो है। जीएसटी लागू हुआ तो लोग क्या लगा, अब तो धंधे खत्म हो गए, अरे अब तो खुले होके काम करेंगे, एक साल दो साल दिक्कत आएगी, सारे बुक्स मेंटेन हो जाएंगे, एक नंबर का पैसा आएगा, थोड़े दिन दिक्कत आएगी, लेकिन अब जोड़े होके चाहे तो कार लेके आएंगे, चाहे घर लेके आएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। मौका आया और तैयार हुआ, मौका आया और तैयार रहना जरूरी है। चार लोग ट्रेन में जा रहे थे, कई बार सुना चुका हूं फिर भी सुना देता हूं। चार लोग ट्रेन में जा रहे थे, एक कंपार्टमेंट में दो लेडीज थी, दो जेंट्स थे, एक औरत थी 60 साल की, उसकी पोती थी 20 साल की, सामने एक बॉस था 45 साल का, उसका जो एम्प्लॉय था वो लगभग 25 साल का। ये चारों बैठे थे, चल रही थी गाड़ी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, तो क्या हुआ? नजरें मिली और जो भी होना था वो हुआ, है ना? अट्रैक्शन का सिद्धांत लागू हो गया। ये बात अच्छी नहीं लगी, बॉस ने आंख दिखाई और दादी ने कोहनी मार दी, दोनों ने नजरें नीची कर ली। चल रही थी ट्रेन, अचानक एक सुरंग आ गई, तो सुरंग आई तो क्या होना था? अंधेरा हो गया, और अंधेरा हुआ तो फिर दो आवाजें आई। तो कितने समझदार है, देखो मेरे को बताने की आजकल जरूरत ही नहीं पड़ती। दो आवाज आई, एक किस की और एक थप्पड़ की। अब ये क्या हुआ समझ में किसी को नहीं आया, है ना? लेकिन फिर भी अंदाजा अलग अलग था। दादी जी सोच रही थी कि ये जो लड़का है इसने गलत किया, है ना, बहुत गलत किया, मौके का गलत फायदा उठाया। लेकिन मेरी ये जो पोती है वो बहुत समझदार है, उसने उसको थप्पड़ रसीद कर दी। ठीक है, बेटी जो पोती थी वो सोच रही थी कि इतना तो गलत नहीं किया, ठीक है गलती से हो जाता है, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था दादी को, है ना? और वो बॉस सोच रहा था मैंने तो कुछ नहीं किया, थप्पड़ मुझे क्यों पड़ी? और ये आदमी सोचे कि ऐसे सब कुछ इसने किया है, सामने की पार्टी को कुछ और दिया, बगल वाली पार्टी को कुछ और दिया, अपॉर्चुनिटी मिलती तैयार था, एक्शन कर दिया, काम हो गया, सक्सेस मिल गई। लाइफ में अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, तैयार नहीं हो, अगर आपने अपने आप को फुल्ली लोडेड नहीं कर रखा है, अगर आपने वो चीजें अपने साथ नहीं ले रखी है जो चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज बार बार आएंगी,
अपॉर्चुनिटी बार बार आएंगी लेकिन आपके हाथ से चली जाएंगी। थाईलैंड आएगा, निकल जाएगा। देहरादून आएगा, निकल जाएगा। यूरोप आएगा, निकल जाएगा। अच्छा प्रोस्पेक्ट आएगा, निकल जाएगा। टीम में लीडर आएगा, मर जाएगा। लेकिन तैयार रहे तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे और उस पर एक्शन करोगे और उसका फायदा उठाओगे और जबरदस्त तरीके से अपने टीम को सक्सेस दिलाओगे। अब मौका आया है कि नहीं आया आपके पास में अगले 13 हफ्ते का, 12 हफ्ते का है कि नहीं, मुझे बताओ। अब अगर अपन तैयार नहीं हुए, ये सुरंग गई, ये 2 दिन की ध्यान रखना, ये जो आरटीपी हुआ है ना, ये प्रिपरेशन है आपके लिए। अब एक्शन का टाइम है। आपको तैयार हमने कर दिया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, लेकिन आपने अगर एक्शन नहीं किया अगले आपने 3 महीने एक्शन नहीं किया तो सक्सेस मिलेगी क्या? आपको तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है इट्स नॉट द विल टू विन। आपकी जीतने की इच्छा मैटर नहीं करती है कि कौन, किसी से पूछा जाए भैया तुझे सक्सेस होना है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हाथ नहीं खड़ा करेगा आपसे। मुझ कितने लोग सक्सेस होना चाहते हो? सब लोग चाहते हैं ना। आज तक कोई भी प्रोग्राम में हमने पूछा कितने लोग सक्सेस होना चाहते, सबने हाथ खड़ा किया। ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि उसको जीतने के लिए आपने प्रिपरेशन कितनी की है, तैयारी कितनी की है। तैयारी बहुत जरूरी है। कहा जाता है अगर आप सफल होने की तैयारी में असफल हो रहे हैं, अगर आप सफल होने की तैयारी में असफल हो रहे हैं तो असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आई कुछ बात? अगर आप फेल हो रहे हैं किसी चीज के अंदर सक्सेस पाने की तैयारी में, प्रिपरेशन में फेल हो तो फेलियर तो निश्चित है। और अगर आपने तैयारी प्रॉपर कर ली तो काम आसान होगा, काम आसान होगा। एक आदमी था, उसकी नौकरी लगी पेड़ काटने के अंदर, मतलब पेड़ काटने में उसको कहा आओ। वो बहुत मजदूर था, पढ़ा लिखा नहीं था और पेड़ काटने जाता था, तो उसको कहा भाई ये आरी पकड़ो, ये कुल्हाड़ी पकड़ो और जाओ और पेड़ काट के आओ। तो वो नया नया आया, पुराने कोई 10 साल से काम कर रहा, कोई 20 साल से काम कर रहा, सब पेड़ काट के आते, कोई रोज 2 पेड़ काटता, मतलब उसको करता, कोई 3 करता। उसने जब काम शुरू किया तो शुरुआत में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 रोज के 10 पेड़ काटने लग गया। तेजी से उसका काम बढ़ने लग गया और जब जब उसको लोग देखते तो वो मतलब बैठा रहता, कुछ खास काम नहीं कर रहा होता। जब वो जाते रहते ना पेड़ काटने तो वो बैठा रहता है, वो सबके 2 घंटे बाद जाता था पेड़ काटने, रोज 2 घंटे बाद जाता और सबसे ज्यादा रिजल्ट निकाल के आता और सबसे ज्यादा वो अर्निंग करके आता। तो पुराने लोग भड़क गए, इसको ज्यादा कैसे मिलता है, जरूर कोई चक्कर है, ये ज्यादा कैसे ले लेता है। मालिक के पास गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे को तो कम मेहनत आना। भाई वो ज्यादा काटता है, ज्यादा कैसे काटता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले वो तो उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो। ठीक है, बोले इधर आ भाई, तेरे को ज्यादा कैसे मिलता है। बोले उसमें तुम्हें क्या तकलीफ नहीं, कि बताओ तुम्हें कैसे, तुम्हें भी मिल सकता है। बोले कैसे? बोले मैं क्या करता हूं, जिन 2 घंटे आप तुम पटेलाई करते रहते हो, धीरे धीरे पेड़ काटते हो और तुम जाते हो, मैं रोज 2 घंटे सुबह अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। पहले 2 घंटे रोज अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं, फिर लंच में जो होता है तो फिर 2 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं और उस तेज धार को मैं पूरी ताकत से पेड़ काटने में लगाता हूं तो तुमसे ज्यादा पेड़ काट के आता हूं। लोग क्या करते हैं, तेज नहीं कर रहे अपनी धार को, मार्केट में धार को तेज नहीं कर रहे, मीटिंग में जाके धार को तेज नहीं कर रहे, प्रोग्राम में जाके धार को तेज नहीं कर रहे। अगर टाइम टाइम पे धार को तेज किया जाए, अपलाइन बोलता है मीटिंग में आ, प्रोग्राम में आ, आरटीपी में चल, और बोलता है अभी तो गया था पिछली आरटीपी में, मैं कहीं लटके ना इस बार। बोले अभी तो जाके आए थे, अभी मार्च में तो हुई थी। कई बोलते हैं अभी तो प्रोग्राम किया था आपने, अभी तो ट्रेनिंग हुई थी। अरे उसको पता नहीं है ये प्रोग्राम सेमिनार, ये जो जितनी संगत होती है आरटीपिया, ये तुझे बार बार तेरी कुल्हाड़ी की धार को तेज करवा रही है, तेरा सक्सेस जल्दी आएगा, वरना भोटी हो गई तो क्या होगा, नहीं कटेगा पेड़। तो बार बार कुल्हाड़ी की धार को तेज करना पड़ेगा। और एक ओलंपिक जो रेस जीतता है, हमें उससे सीखना चाहिए तैयारी क्या होती है। रेस कितने सेकंड की होती है, 100 मीटर की रेस कितने सेकंड में कंप्लीट करते हैं, 100 200 मीटर की 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड की रेस, 9 या 10 सेकंड की रेस, तैयारी कितने साल की, 4 साल तैयारी,
फिर उसमें सेकंड या थर्ड रह गया है, नहीं आया, फिर कितने साल तैयारी? 3-4 साल। मतलब 10 सेकंड की रेस को जीतने के लिए 10 साल तैयारी करता है रेसर, करता है कि नहीं करता है? यस और नो? वो मेडल पाने के लिए अपने जीवन के 10 साल लगाता है। वो 10 साल क्या है? वो उसकी तैयारी है। तैयारी, तैयारी में जो टाइम डालता है उसकी सक्सेस, उसके रिजल्ट ज्यादा आते हैं। इसका मतलब मैं आपको भी ये बोलूंगा, तैयारी पे दिमाग लगाओ।